हेलो एंड वेलकम टू कैंपिंग डायरीज। मेरा नाम सनी नेगी है और आज का ये जो व्लॉग है वो एक विजुअल गाइड होने जा रहा है पिनबावा पास के बारे में। ये ट्रैक बेसिकली बावा वैली के काफनू विलेज से शुरू होता है और पिन वैली के मुद विलेज में ख़त्म होता है। इस वजह से इसे बावा पिन या पिनबावा पास के नाम से जाना जाता है। टाइट करके नहीं आएगा। तो गाइस, इस जगह का नाम मोंगटू है और ये नेशनल हाईवे 5 है जो कि स्पीति की तरफ जा रही है। तो एज अ सोलो ट्रैवलर अगर आप आए हैं तो आपको इस जगह पे 5:15 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से जो आखिरी बस है काफनू तक के लिए, जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है, वो लगभग 5:30 बजे जाती है। हेलो, हेलो, ले लिया निशानी। ये है हमारा पिछले रात का स्टे। यहाँ हमने स्टे किया था, ये लेक व्यू रिज़ॉर्ट का एक डिलक्स रूम है। हालांकि यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी रूम्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये सामने जो वैली जा रही है, यहीं से आगे हमारा ट्रैक जाने वाला है। जीरा हो गया, मैगी 10 पीस पूजा के लिए पास पे। फ़िलहाल हम काफनू में हैं, ये हमारा रिज़ॉर्ट था, लेक व्यू रिज़ॉर्ट है, और यहीं से हमारा अभी ट्रैक शुरू होने वाला है। तो आपको मैं पहले मिलाता हूँ रघुवंश, जिनका निकनेम बिटन है। ये हमारे ऑर्गेनाइज़र भी है, ये काफनू से हैं। अगर आप बावा पिन पास करना चाहते हैं और अगर आप सोलो आए हैं तो उस केस में यहाँ पर रेंटल का सामान पड़ा है जो कि ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर ट्रैक करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज वे में, तो आप इन्हें इनके कंपनी जो बावा नेचर कैंप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे आज के गाइड हैं दिवेश जी, जो कि हमें पूरे ट्रैक पे हमारे गाइड करते रहेंगे।
तो फिलहाल हम लोग लाणा में हैं और हमने लंच के बाद वहाँ मुलिंग से स्टार्ट किया था। तो अब हमें आगे की तरफ जाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ ये निगुल है, जहाँ से आगे की तरफ किन्नौर के रूपी और बड़ा कम्बा गाँव जाते हैं, और हमें पिनबावा पास के लिए यहाँ से होते हुए रिवर क्रॉस करके इस ज़िगज़ैग रास्ते से होते हुए कारा की तरफ यहाँ से आगे की तरफ जाना है। मिस्टर ये देख कितना प्यारा करा तेरा, ये देख कितना सुंदर। आजा आजा तू भी आजा, कुत्ता तो नहीं काटेगा इसको? नहीं नहीं यार, आराम से कर यार, कोई बात नहीं, बारिश सब है, बहुत जोर से कर यार, ये बाद में परे को मुड़ना पड़ेगा। कैसे बोली फिर ढंग से रे यार, तू मेरे को ऐसे ढंग से रे यार, तूने मेरे को इतनी जोर से किया यार, मत कर यार। आठ बार में क्या अर्जुन सोला हो गया। हरी मिर्च का है, पैक कर दिया, हरी मिर्च लाता हूँ। अंकल आप भी खा लो ना, ज्यादा बन गया है, आप लोग खाओ, प्लेट ले आओ, बचेगा तो बाद में देखेंगे। नहीं नहीं बहुत है, पहले खाओ ना। नहीं नहीं से हमने स्टार्ट कर दिया था अराउंड 10 बजे, और अभी हम पहुंचे हैं इस जगह पे, और उस तरफ को जाता है असरंग और लिप्पा गांव जो किनारे के हैं, उस तरफ के लिए जाता है, और अभी हम जाएंगे सीधा जहां पर आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं पीन वैली के लिए। यहां से आगे जाना है, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ हमारा आज का डेस्टिनेशन पुस्तरिंग आएगा। इस ट्रैक पे मेरे साथ मेरी दोस्त अमिता शोरगिया भी आई है। सो बेसिकली ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक फेमस कोट है, आई होप आपने भी सुना होगा कि ट्रैवलिंग के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल स्टिक बैठती है अमिता पर, क्योंकि उसका एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवल गर्ल के नाम से। सो उसमें वो कल्चरल या ट्रेडिशन सेंट्रिक वीडियोज़ बनाती हैं। तो अगर आप हिमालय के जो अपर रीजन्स हैं उनके बारे में बारीकी से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा।
वहां देखो। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पास पर। इस जगह का नाम वंखगो है, जो कि हमारे लोकल डायलैक्ट से आता है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है वंग मतलब वंगफू, जिसे हम बाव वैली कहते हैं, और खगो मतलब पास, जो भी माउंटेन पासेस होते हैं। तो फिलहाल हम लोग 16,000 फीट पर हैं, और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये बाबा वैली है, और उस डायरेक्शन में देखेंगे वो पिन वैली है जहाँ हमने जाना है। एज अ सोलो ट्रैवलर आपको गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो ऐसे में धुंध आने पे रास्ता भटकने का खतरा रहता है। तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप वहाँ काफनू से ट्रैक शुरू करने से पहले एक लोकल गाइड ज़रूर लें। तो हम वहाँ से आए थे बाबा वैली से, तो ये जो वी शेप में ये जो पास है उसकी दूसरी तरफ का जो इलाका है वहाँ काफ़ी बारिश होती है, जबकि उसके कंट्रास्ट में अगर हम यहाँ इस पिन वैली को देखें तो यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। इनफैक्ट इस एरिया को रेन शेडो एरिया भी कहते हैं, और आप वेजिटेशन से ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर कितनी कम बारिशें होती हैं।
ग्रीन वैली में सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सबसे बड़ा गांव सरनंद है। लोकल छज्जा की वजह से जो बारिश होते थे फिर बर्फ होता था उसके पानी वगैरह जो अंदर रिसने की वजह से इसमें काफ़ी जो है क्षति हुई है, नुकसान काफ़ी हुआ है। ये पुस्तक जो है वो थंका के बारे में है, थंका के बारे में किस प्रकार से थंका का रख रखाव, कैसे थंका को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। मटर का घास, उसके ऊपर फिर वो मंडे वाला घास, हाँ जी जी, जौ वाला, जौ वाला, फिर उसके ऊपर जो जंगल से लाते हैं वो घास। अच्छा अच्छा। तीनों ऐसा सिस्टम में रहते हैं, खिड़की से घुस के ऐसा चारों तरफ आदमी चल के दबाना आता है। अच्छा, मतलब ये पूरा हम फुल कर लेते हैं। ये दो मंजिल का है, हम लोग हर घर में ऐसा बनाते हैं घास रखने को। ना